की राह में जटिल नियमों की दीवार गिराने में योगी सरकार आगे दिख रही है। हर जगह हर काम में सरकारी दफ्तरों की लेट लतीफी की आदत को भी बदला जा रहा है। इस दिशा में योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों के खाते में उनकी पूरी रकम 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। इसके लिए लोक भवन में 1 मई को मुख्यमंत्री ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। दरअसल चुभने वाली बात यह है कि पहले रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों के कई महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे, तब जाकर उनकी रकम उनके खातों में आती थी। अब भ्रष्टाचार के इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार का रिटायरमेंट प्लान। सरकारी सेवा की कमाई अब लेट लतीफी से होगी आजाद। सरकारी दफ्तरों के लाल फीताशाहों पर बड़ी नकेल की तैयारी। सरकारी सेवा में जिंदगी खपाने के बाद सरकारी बाबुओं के लेट लतीफी वाले शोषण से अब उन तमाम लोगों को जल्द मुक्ति मिलने वाली है जो आने वाले दिनों में अपनी नौकरी से रिटायर्ड होने वाले हैं। कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए वाली नौटंकी अब नहीं चलने वाली। कोई सरकारी बाबू चाह भी ले तो किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मी का वक्त बर्बाद नहीं कर पाएगा। इसे रोकने के लिए अब योगी सरकार की नई तैयारी की हर बात जान लीजिए। लोक भवन में 1 मई को सीएम योगी ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसके बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मियों की पूरी रकम सिर्फ 3 दिन के भीतर उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जारी करने को लेकर जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो सारी मुश्किलें इस एक पोर्टल के जरिए हल कर दी जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन वार्ने भुगतान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि 3 दिन के अंदर उनका भुगतान उनके खाते में पहुंच जाएगा। इसे लेकर यूपी सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है जिसे 1 मई को खुद सीएम योगी लॉन्च करेंगे और इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस फैसले से उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है जो अगले कुछ वक्त में रिटायर होने वाले हैं या फिर जिनकी रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं है। हर सरकारी कर्मी के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि इस ई पेंशन पोर्टल में भ्रष्टाचार का दीमक घुस ही नहीं सकता। रिटायरमेंट की रकम से लेकर पेंशन तक लाभार्थियों के खाते में अभी इसे पहुँचने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन जल्द ही ई पेंशन पोर्टल के जरिए सालों पुरानी ये मांग अब पूरी होने वाली है। निश्चित रूप से नई व्यवस्था लागू होने से एक तरफ जहां रिटायर होने वाले कर्मचारियों को दफ्तरों में दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ चैलेंज अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।